जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जैन भारत की टीम रांची के देवी मंडप में पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक देहाती जायका नाम से एक एनजीओ खुला हुआ है, एक दुकान है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं उनकी तरफ से ये जो सामान है बन के आता है वो खुद से अपने हाथों से बनाती है, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। देहाती चावल है, देसी गाय घी, देहाती गुड़, काफ़ी तरह का सामान है, जैसा कि आपको हमारी सहयोगी दिखा रही है, कैमरामैन हमारी सहयोगी आपको दिखाने का कोशिश कर रही है। मकई का आटा, काफ़ी कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे भी जानना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है बन करके, इससे क्या फ़ायदे हैं और ये किस लिए बन रहा है। देखिए, इफेक्ट ऐसा है कि हम लोग अपना एक मिशन पर काम कर रहे हैं, और मिशन की शुरुआत होती है ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेत से, किसानों से। हम लोगों ने देखा है बरसों से, लगभग 25-30 वर्षों में, कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिट्टी है उसकी बर्बादी हुई है। मैंने मिट्टी जो फर्टाइल था पहले और बहुत ही प्राकृतिक उपज होती थी उसमें किसानों को जो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा फर्टिलाइज़र, यूरिया, DAP वगैरह वगैरह डाल करके इस्तेमाल करने का एक मैंने मोटिवेशन किया गया था, वो पूरा किसान एक मकरजाल में फंस गया उसका। फिर उसके बाद पूरा हाइब्रिड आया, मैंने बीज सीड, तो किसान को पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। तो वो जो जीरो बजट एग्रीकल्चर था, जो जीरो बजट फार्मिंग था, कि जिसमें हम लोग बिना किसी लागत के खेती कर सकते थे, वो किसानों ने बंद कर दिया। तो उनको लागत लगने लगा, मुनाफा भी नहीं आने लगा। हम लोगों ने प्रयास यही शुरू किया है, अभी एक पंचायत को हमने लिया है पलामू जिला में, पकड़िया पंचायत को। उस पंचायत में हमने सारे किसान का समूह बनाया, फार्मर्स ग्रुप, FPO उसको बोलते हैं, और फार्मर्स को हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जैविक तरीके से खेती करें, फार्मिंग करें, वो जैविक माने पत्ते वगैरह को चुनें, उसको सड़ाएं, गोबर का इस्तेमाल करें, गौमूत्र का इस्तेमाल करें, और इस तरह से उसको अमृत जल हम लोग नाम देते हैं, और अमृत मिट्टी उसको कहते हैं, उसको खेत में इस्तेमाल करें। तो क्या होगा, कम से कम केमिकल और फर्टिलाइजर तो गया नहीं उसमें, पहला तो बचे हम लोग ये। दूसरा था कि जो उपज हो रही है उस उपज को हम लोगों को पारंपरिक तरीके से बनाना था, माने जांता, ढेकी, ये सब पारंपरिक तरीके थे जिसमें अनाज को उपजने के बाद में बनाया जाता था खाने योग्य। जैसे जांता से कूट करके धान चावल बनता था, जांता से दाल बनता था। तो कहने का मतलब है कि मशीनरी का प्रयोग नहीं हुआ, तो हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब एक मशीन के बदले में 100 लोगों को रोज़गार यदि मिल रहा हो तो हम उस काम के तरीकों को बदलना चाहते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि आज 20 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं तो हमने कम से कम एक सेटिस्फैक्शन का काम किया है कि 20 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिया है वहाँ पर। यह वही महिलाएँ हैं जो जिन किसानों के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है, उन्हीं के घर की महिलाएँ हैं ये। तो किसानों को भी फ़ायदा हुआ, खेत को भी फ़ायदा हुआ, महिलाओं को भी फ़ायदा हुआ, और उससे भी महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम फायदा ये है कि जो हम प्रोडक्शन को ला रहे हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमारे, ये प्रोडक्ट्स अभी रांची के लगभग 500 कंज्यूमर के बीच में जा रहा है। वो कंज्यूमर को ये फ़ायदा हो रहा है कि उनको किसी तरह का केमिकल, किसी तरह का फर्टिलाइज़र, किसी तरह का उसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, कलर, कोई भी चीज़ इसमें नहीं मिल रहा है। हाँ, क्यों, देखिए वो होता क्या है कि खेतों की जो बर्बादी हुई है तो उपज कम हुआ है। उपज जब कम होने लगेगा तो जाहिर सा बात है जिस किसान को एक कट्ठा में 5 मन की उपज होती थी उसको 2 मन या 2.5 मन हो रहा है। तो उपज यदि कमेगा तो थोड़ा सा तो रेट बढ़ेगा उसका। दूसरा नंबर, थोड़ा मेहनत का काम है, ये शरीर का काम है, वो प्रोडक्शन रेट इसका कम होता है। अब मशीन जिस चीज़ों को 10 क्विंटल 20 क्विंटल कर सकती है वो इसमें 50 किलो से ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर अंतर पड़ता है, फर्क यहीं पर पड़ रहा है हम लोगों को कि वहाँ पर जो हम लोग खेती का तरीका बदला है, और ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जब एक बार ये सब चीज़ आ जाएगा तो हमको लगता है 2 से 3 साल में ये रेट भी ऑलमोस्ट मार्केट रेट के इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर का भी संख्या बढ़ेगा, हमारा डिमांड बढ़ेगा, तो हम यदि लोएस्ट मार्जिन पर भी जाएंगे तो हम लोगों को पहुँच। लोगों में अभी भी ऑर्गेनिक खेती को लेकर के जागरूकता बहुत कम है, इस पर क्या कहिए। तो जागरूकता कम है क्योंकि पूरा मानसिक तौर पर तैयार किया गया है किसानों को। अरे हमारे जैसे लोगों को जो शहरों में रह रहा है उसको खेती से क्या मतलब है, लेकिन जिन किसानों को मतलब था उनको मानसिक रूप से तैयार किया गया, उनको बताया गया है कि ये गेहूं का करेंगे तो आपको 5 क्विंटल होगा, ये धान करेंगे तो आपको 10 क्विंटल होगा। उनको तो मानसिक तौर पर तैयार किया गया था, और गवर्नमेंट इटसेल्फ वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए। गवर्नमेंट क्या किसी पॉलिसी को देखता नहीं है, किसी चीज़ को देखता नहीं है, बिल्कुल, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि गवर्नमेंट से पास आउट होकर के आ जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। गवर्नमेंट को सब चीज़ की जानकारी है कि कहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर हाइब्रिड का इस्तेमाल हो रहा है।
गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को तो पूरा इस मिशन में योगदान होना चाहिए। हालांकि है ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के लिए कृषि विभाग के तरफ से बना हुआ है एक अलग से। अभी हम थैंक्स कहेंगे, अभी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बिरसा एग्रीकल्चर जो अभी हम लोगों को थोड़ा साथ दे रहा है, टेक्निकल तौर पर भी साथ दे रहा है और नबार्ड को भी वो लोग इन्वॉल्व कर रहा है इस मामले में। नबार्ड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो काम करने वाली बैंक है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरा मिशन है, उस पर वो हेल्प करेगा हम लोगों को। तो ऐसा कोई गांव जंगल का इलाका जो होगा, सुदूर लातेहार वगैरह का इलाका है वो है, वो मेरी जानकारी में मैं नाम नहीं बता सकता हूँ अभी आपको, क्योंकि पूरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 100% मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग जंगल क्या गुफा में भी घुस चुका है ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले लोग। हाँ ठीक। तो जैसा कि आपने ऑर्गेनिक खेती को लेकर के बहुत कुछ सुना, उन्होंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक खेती काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जो यहाँ का इलाका है यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिड मिलावट चीज़ मिलता है। आप देख सकते हैं चावल हो या दाल हो या एक सब्जी हो तो उस पर भी इंजेक्शन मार के इंसान को खिलाया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हार्मफुल चीज़ है और ऑर्गेनिक खेती कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अभी संजय सेठ भी आ रहे हैं, सांसद संजय सेठ आ रहे हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं। ओके। बहुत तेज़ी से जो रासायनिक खाद का उपयोग और जिसके कारण बीमारियों का सृजन, पहले हम सब देखते थे कि शहर में एकाध कैंसर पेशेंट, लेकिन अब तो कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ कैंसर पेशेंट नहीं होते। जो पेप्सिसाइड का उपयोग बढ़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रयास में है कि जैविक खेती, और जैविक खेती से हम स्वस्थ रह सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, और यह हमारी परंपरा रही है, हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी परंपरा। और ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में हम सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, और इसीलिए जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा देना। हाँ, जैविक खेती से जो उत्पादन होगा उसमें एक दो रुपए महंगा हो सकता है, किंतु आप देखो कि जो पैसा आप डॉक्टर को देते हो, जो दवाइयाँ को देते हो, तो जैविक खेती से जो उत्पादन होता है, दाल चावल अन्य जो खाने की वस्तुएं होती हैं, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। ये अच्छा प्रयास है, और आप देखो शहर के बीचों बीच ये प्रयास हुआ है और पंचायतों तक जाएगा, और मेरा भी ये प्रयास रहा है, हम जब गांव टोला हम घूमते हैं दिन रात तो लोगों को एजुकेट करते हैं। अभी इतनी बड़ी बड़ी लौकी आ गई है तो क्या है, वो तो जहर खा रहे हैं ना। आप पहले बता भाई, गोभी ऐसा लो जिसमें कीड़ा नहीं हो, वो जहर खा रहे हैं। गोभी के अंदर कीड़ा हो तो समझो कि वो सही है। तो हम लोग आधुनिक युग में बीमारी को आमंत्रण दे रहे, और आज अच्छा बहुत सामाजिक कार्य उन्होंने किया, व्यापार नहीं है, ये एक संदेश है समाज को, तो अच्छा प्रयास है, मेरी शुभकामना। रांची से सहयोगी शिखर श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।